भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अशोक राम के द्वारा भोजपुर जिला कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन आरा में हर्षोल्लास के बीच पदभार ग्रहण किया गया। सर्वप्रथम कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन आरा में सैकड़ों कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ झंडोत्तोलन किया। उसके बाद कार्यालय प्रांगण में लौह महिला भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर जिलाध्यक्ष अशोक राम सहित पूर्व विधान पार्षद डॉ अजय कुमार सिंह, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉ शशि कुमार सिंह, धनश्याम उपाध्याय, सत्य प्रकाश राय, जितेंद्र शर्मा, रतन धमालिया, विजेंद्र यादव, संतोष पांडे, अशोक यादव, रजी अहमद, डॉ जावेद इकबाल, अफजल हुसैन चांद, संतोष तिवारी, श्रीधर तिवारी, तीर्थनाथ दुबे, मोहन दुबे, रवि कुमार राम, ललन पासवान, श्रीकांत तिवारी, राजेंद्र ओझा, पवन पांडे, राकेश त्रिपाठी, प्रेम प्रकाश पांडे, बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष, आरा बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रमोद, अधिवक्ता मुक्तेश्वर उपाध्याय, गजेंद्र चौधरी, ललन कुशवाहा, सुनील शाह, मोहन तिवारी, निर्मल सिंह, रशीद इमाम मिंटू, सत्यनारायण प्रसाद सिन्हा, मनमोहन ओझा, पन्नक त्रिपाठी, वीरेंद्र मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नेता श्रीमती गांधी अमर रहे, राहुल गांधी जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। तत्पश्चात नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अशोक राम के द्वारा अपने कार्यालय का उद्घाटन एवं पदभार ग्रहण के पश्चात जिलाध्यक्ष के सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन में ही उनके सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्व विधान पार्षद डॉ अजय कुमार सिंह ने जिलाध्यक्ष अशोक राम को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में ही पूर्व से वंचित समाज को सम्मान दिया जाता रहा है। भोजपुर में अशोक राम को जिलाध्यक्ष बनने से एक बार फिर प्रमाणित हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में ही सभी तबके को सम्मान दिया जाता है। मैं अशोक राम को जिलाध्यक्ष बनने पर तहे दिल से बधाई देता हूं। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉ शशि कुमार सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि निचले आने वाले जुझारू एवं कर्मठ अशोक राम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से पार्टी का चौमुखी विकास होगा। वहीं बिहार चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि इनके अध्यक्ष बनने से जिले में कांग्रेस का चौतरफा विकास होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए तन मन धन से जिलाध्यक्ष के साथ रहूंगा। आज हमारे वरीय कांग्रेस के नेतागण, हमारे गार्जियन, अभिभावक, बड़े भाई डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, हमारे तमाम हैं, श्रीकांत तिवारी जी बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं, तमाम सब हमारे लोग शुभचिंतक हैं, उपस्थित हैं। आज पहली दफा मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के कुर्सी पर आज आसीन हुए हैं। मैं अपने ओर से सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि कांग्रेस के मजबूती के लिए, देश की भला के लिए सब लोग मिल करके हमको सहयोग साथ दें, ताकि कांग्रेस पार्टी को हम ऊंचाइयों तक पहुंचा सके, सफल राजनीति में हम लोग हो सके। आज 7 तारीख है और बुधवार दिन है, जून के हम लोग आज बैठे हैं शहीद भवन में। आप देख रहे हैं कि शहीद भवन में नए उत्साह, नई खुशी और नए जोश के साथ हमारे सारे पुराने और नए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। आज अशोक जी की हमारे अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी है और हम हृदय से शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अशोक जी हमारे जिला में कांग्रेस के नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, जो आज पूर्व में हमारे बिंदेश्वर दुबे के टाइम में हमारा भोजपुर जिला जो इस ऊंचाई को छुए हुए था, उसको वापस अशोक जी के नेतृत्व में ले आएंगे और हम लोग इनके साथ हैं। हम लोग इनके मरते दिन तक हमेशा इनको सहयोग करेंगे और इनको जितने से जितने मेहनत कराना चाहेंगे कांग्रेसियों को, वापस हम लोग ले आ जाते हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी आज पूरे भारत के एकमात्र युवा नेता हैं और हमारे युवा के रूप में जो एक आइकॉन के रूप में उनकी पहचान हुई है पूरे विश्व में। आप देख रहे हैं कि आज वाशिंगटन में, आज कैलिफोर्निया में, यूएस में, हर जगह उनका परचम फहराया हुआ है और हर जगह नरेंद्र मोदी को वो धता बता रहे हैं। कल तक जो राहुल गांधी को बच्चा समझते थे, आज राहुल गांधी आज उनको वहां बच्चा साबित कर दिया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और आज इसके दिन हमारे अशोक जी यहां पर उपस्थित हैं आपके बीच में। सारे कांग्रेसी उत्साहित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस को हम लोग सातों के सातों सीट पर नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहां मिलता है, परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहां पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहां पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं।
स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ईटीसी बच्चों को सिखाया जाता है, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा।